राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्ट्रीट सर्किल के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद मामले में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार को जमकर घेरा है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए नगर निगम और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले में हो रही जाँच और कार्यवाही नाकाफी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर अपनी निगरानी में जांच करवानी चाहिए जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने राजेंद्र नगर की इस घटना का संज्ञान लिया और न सिर्फ कॉरपोरेशन बल्कि दिल्ली सरकार को इसमें फटकार लगाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि ये राजेंद्र नगर की एक इंसिडेंट जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, ये ऐसे कई हादसे अगर हमें रोकने हैं, आने वाले समय में रोकने हैं, तो एक निश्चित पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिसमें बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक ऐसा माहौल उनको दिया जा सके जिसमें वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनके माँ बाप को ये परेशानी ना हो कि वो एक वर्ल्ड क्लास सिटी में जब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी तरफ से पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर महसूस कर सके। मैं पुनः एक बार ये डिमांड भी करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मैं समझता हूं कि ये जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं सिर्फ जेई और एई पर फौरी तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो नाकाफी है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति है या ब्यूरोक्रेसी है, उन सभी को सजा दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।